हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम अभी कल के व्लॉग में देखा गया, हम रात को मुगलधाम ही थे और अभी सुबह यहाँ पे आए, तो हम अभी फ्रेश होने के लिए रुके थे यहाँ पे। तो अभी व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यह देख सकते हो यहाँ पे सर्वोत्तम करके होटल है। तो हम अभी जा रहे हैं दीव, और दीव हम आज स्टे करेंगे, वहीं पे होटल लेंगे। और देख सकते हो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ये आलू परोठा हम खा रहे हैं और ये हम सब ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ये स्नैप ले रहा है। तो चलो अभी खाते हैं, निकलते हैं यहाँ से। अभी हम ब्रेकफास्ट करके हम निकल रहे हैं यहाँ से और अभी हम जा रहे हैं दीव। और ठीक है, यहाँ से दीव कितना किलोमीटर है? तो वहाँ से था, लेकिन यहाँ से देखना पड़ेगा अभी कितना है। कितना होगा? और ये तो स्नैप भी रखने में बिजी है पर गौतम। 76 दिखा रहा है। 76 तो कितना टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में? एक डेढ़ घंटा दिखा रहा है अभी। डेढ़ घंटा दिखा रहा है, एक घंटा में पहुँच जाएगा। दोस्तों दो घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तक गाड़ी खींची ना, तो क्या है कि रास्ते का सब काम चल रहा है, तो इधर से उधर, उधर से इधर करने में टाइम चला जाता है। ये हाईवे ही बन रहा है, लेकिन न्यू हाईवे बन रहा था, अभी तक बना नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देख सकते हो अभी हाईवे का काम चल रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से वो कार की स्पीड मेंटेन नहीं हो रही है। डीके बोल, डीके उसको, डीके 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 बोला तो हो गया ऐसा। आप देख सकते हो अभी न्यू हाईवे बना है, ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे, अभी बनना बाकी है थोड़ा, लेकिन बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो भावनगर से दीव अभी यहाँ से राइट लिया हमने, और यहाँ से दीव 11 किलोमीटर है। हम कुछ ऐसी जगह पे पहुँच गए हैं अभी। अरे यार, तो गाइस ये दीव का गेट आ गया है, दमन एंड दीव डीडी। तो गाइस हम ऐसी कुछ जगह पे पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कार है। तो ये रहा दीव का बीच। तो चलो अभी हम जा रहे हैं बीच पे। तो गाइस अभी हम बीच पे आ चुके हैं, तो ये देख सकते हो। तो गाइस अभी हम कार के पास आ चुके हैं और अभी यहाँ से हम जाएंगे इस रास्ते पे। तो चलो अभी सबसे पहले पेट्रोल पंप ढूंढते हैं और डीजल। हाँ, तो कार में डीजल फ्यूल अप करवाना है, तो चलो फुल टंकी करवाई थी और ये आप देख सकते हो अभी 2 सेल बाकी है सिर्फ। और हमारी कार कितनी चली है पता है? 1 सेकंड। तो ये देख सकते हो 1661 और अभी जाएगी 106। अच्छी है ना एवरेज? बहुत ही बढ़िया है। तो ये आप देख सकते हो 20 की एवरेज दे रही है हमारी कार। तो गाइज अभी हम डीजल फ्यूल अप करवाने के लिए रुके हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। हम अभी रिलायंस का ही डलवाते हैं, रिलायंस और जियो का एक ही है, लेकिन नाम चेंज हो गया है। तो ये आप देख सकते हो गाइज अभी हम ऐसी कुछ प्लेस पे आ चुके हैं, ये आप देख सकते हो एक गार्डन है इधर। क्या आगे आगे चले क्या? तो फाइनली गाइज हम अभी ऐसी कुछ प्लेस पे आए हैं, ये रही हमारी होटल। तो हम इस होटल में स्टे करने वाले हैं आज, और हमारी कार बिगड़ गई है तो गैरेज में दिखाना पड़ेगा, और कल हमारी कार रिपेयरिंग में जाएगी और हम आज यहीं पे स्टे करने वाले हैं। 1-2 दिन हम यहीं पे हैं तो स्टे करने वाले हैं आज। तो चलो चलते हैं ऊपर और सब सामान ले लेते हैं, और फिर क्या यार नसीब है हमारी कार बिगड़ गई। तो कोई बात। तो गाइज अभी हम रूम पे आ चुके हैं, तो ये आप देख सकते हो हमारा रूम। वो भी चलते हैं फ्रेश होके, और फ्रेश होके मिलते हैं। फ्रेश होके अभी सो गए थे, तो अभी हम उठे हैं और फ्रेश होके नीचे आए, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे हमने स्टे किया आज। तो चलो खाना खाने के लिए जा रहे हैं अभी हम। तो चलो चलते हैं, इस होटल पे आए हैं कलकेश्वर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ पे साउथ इंडियन, गुजराती, पंजाबी, फास्ट फूड, चाइनीज यहीं पे सब मिल जाता है।
पे खाना खाने के लिए चलते हैं। तो गाइस ये खाना आ चुका है, चलो ख़त्म करते हैं इसको और फिर मिलते हैं। जा रहा है होटल पे जहाँ हमने स्टे किया था, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम रूम पे आ चुके हैं। तो हमने अभी रूम ये चेंज कर दिया है, उसमें एसी नहीं चल रहा था तो हमने ये दूसरा रूम चेंज कर दिया है। तो चलो आज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट एंड शेयर, कीप सपोर्टिंग।